जय माता दी। दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल श्री बालाजी ऑटो पे। आज हम जानेंगे मारुति सुजुकी अर्टिगा कार के हेडलैम्प्स के बारे में कि कैसे इसे हम घर पर रिप्लेस कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पे आइए और बोनट के लॉक को प्रेस, मतलब अपने साइड प्रेस करते हुए ओपन कीजिए। जैसे ही खींचेंगे आप इसको, बोनट ओपन हो जाएगा और आगे आप बोनट के अंदर लॉक जो दिया उसको ओपन करेंगे तो खुल जाएगा। देखिए दोस्तों, ये मारुति सुजुकी की अर्टिगा पेट्रोल सीएनजी वर्जन है, 2022 मॉडल। दोस्तों, आज हम इसके बारे में जानेंगे कि हेडलैम्प्स को हम कैसे घर पे खुद रिप्लेस कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें दो हेडलैम्प्स दिए रहते हैं, जिसमें देखिए एक H11 बल्ब रहता है और एक E7 बल्ब रहता है। दोस्तों, ये देखिए, ये फर्स्ट हम पहले बदलेंगे जो विदाउट प्रोजेक्टर लैंप है, इसको हम इस कैप को ओपन करेंगे जो ये रिवर्स क्लॉकवाइज ओपन होता है। दोस्तों, ये जैसे ही ओपन करेंगे, ये देखिए ये निकल गया यहाँ पे। दोस्तों, उसके बाद देखिए इसके अंदर छोटा सा सॉकेट दिख रहा है हेडलैम्प्स का, ब्लैक कलर में ये बल्ब है इसका। दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे जैसे ही ये सॉकेट को हल्का सा अपने साइड खींच के पुश करेंगे ये निकल जाएगा। और इसको बल्ब को देखिए रिवर्स क्लॉकवाइज इसको जैसे टर्न करेंगे बल्ब ऑटोमेटिक लॉक से निकल जाएगा। ये बल्ब के अंदर ही लॉक रहता है। दोस्तों, देखिए मैं दो बार तीन बार आपको करके दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे निकालें। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा बल्ब ये हमारे पास है और हम इसको बल्ब को रिप्लेस करेंगे दूसरे बल्ब के साथ, क्योंकि इस बल्ब का पावर थोड़ा कम है। ये देखिए दोस्तों, ये हमने दूसरा बल्ब लिया नया, और ये देखिए सेम जैसे हम लोग इसको निकाले थे उसको वैसे ही अंदर प्रेस करेंगे। आपके सामने है, मैं स्लो करके थोड़ा सा वीडियो दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए कि आप कैसे इसको चेंज करें। क्योंकि ये कहीं भी हम लोग जाते हैं घर पे, रात में कहीं गए तो हमारे पास कोई मैकेनिक नहीं होता है, तो इसको चेंज कहाँ कैसे करें। अब लोगों को समझ में नहीं आता है क्योंकि ये सब नई गाड़ियाँ हैं, जो 2022 मॉडल जो भी BS6 मॉडल गाड़ियाँ हैं, इसमें चेंज करने के लिए बल्ब या कोई भी छोटी मोटी भी काम हो तो वो मैकेनिक के बगैर नहीं होता है। दोस्तों, ये छोटी छोटी जानकारी आप ध्यान रखेंगे तो कभी भी रात में जाएंगे तो गाड़ी आपकी फंसेगी नहीं। आप हेडलैम्प जो एक्स्ट्रा हेडलैम्प दिया रहता है कंपनी की तरफ से या बाहर से आप लेके रखे स्पेयर में, दोस्तों ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कि आप इसको ध्यान रखें। क्योंकि रात में आप कहीं भी गाड़ी लेके जा रहे हैं, परिवार के साथ जा रहे हैं, हाईवे पे जा रहे हैं, गाड़ी वहाँ पे बल्ब नहीं उड़ गया, आपका लाइट बंद हो गया, तो कैसे आप रिप्लेस कर सकते हैं दोस्तों। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। दोस्तों, ये देखिए मैंने सेम उसी तरह से इसको वापस लगा दिया है बल्ब को, और ये देखिए सॉकेट उसके अंदर फिक्स करके ये कैप जैसे आप इसको टर्न करेंगे ये क्लॉकवाइज, दोस्तों ये देखिए ऑटोमेटिक अपने जगह पे आके ये लॉक हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जैसे कि ये देखिए लॉक हो गया। अच्छी तरह से लॉक करने के बाद ये देखिए इसको फिट कर दें, जैसे थोड़ा सा आप चेक कर लें कि हाँ ये कंप्लीट फिट हो गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने इसको लॉक कर दिया है। अब चलते हैं इसके आगे, जो दूसरा बल्ब दिया है H11, दोस्तों उसको भी हम दिखाते हैं कि कैसे इसको चेंज कर दें। ये देखिए दोस्तों, उसके बगल में ही ये दूसरा हेडलैम्प दिया है जो प्रोजेक्टर लैम्प की तरह ही काम करता है, जो डिम पॉइंट पे काम करता है आपका। फुल में विदाउट प्रोजेक्टर काम करता है और डिम में ये प्रोजेक्टर वाला काम करता है, जिससे लाइट आपकी तेज होती है। दोस्तों, ये देखिए इसका सॉकेट है, ये इसमें पिन दिया हुआ होता है छोटा सा, जो हम इसको प्रेस करते हैं अंदर पुश करते हैं तो ये काम करता है। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको अच्छी तरीके से दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए स्लो करके वीडियो को देखिए, ये प्रेस करेंगे लोग और ये भी सेम वही रिवर्स क्लॉकवाइज इस वीडियो को सॉरी इस बल्ब को हम लोग ओपन करेंगे। देखिए ये आपका बल्ब जैसे रिवर्स क्लॉकवाइज इसको राउंड करेंगे वैसे ये बल्ब बाहर निकल आएगा। ये देख लीजिए दोस्तों, मैं दो तीन बार आपको इसलिए करके दिखा लूँ कि आप अच्छे से समझ लें इस चीज़ को। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है, ये देखिए बाहर निकल आया। इसमें कंपनी ने H11 बल्ब दिया था, जो कि हमने इस बल्ब को रिप्लेस करते हुए न्यू बल्ब लगाया है। ऑलरेडी हमने लगा दिया था, लेकिन वीडियो में हम लोग ये सोचे कि कवर कर ले, क्योंकि बाद में कहीं आपका ये बल्ब ना दूसरा बल्ब ये उड़ जाए बल्ब और वो ना उड़ा रहे, इस वजह से इसको आप ये देखिए फिर सेम उसी तरह से इसको
क्लॉकवाइज इसको कर देना है दोस्तों फिटिंग, और यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया दोस्तों। चलते हैं अब हेडलैम्प्स को ऑन करने की तरफ, और ये देखिए दोस्तों हमारा लाइट कितना तेज़ हो गया पहले के मुकाबले, 50% इसका पावर बढ़ गया दोस्तों। इससे थोड़ा भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपके वायरिंग पे या फ्यूज पे या कुछ भी, थोड़ा सा लाइट भी आपका तेज हो जाएगा। तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।